आम आदमी पार्टी अधिनेता अरविंद केज्रीवाल आरएसएस चीफ मोहन भगवत की 5 प्रश्नलु संदिंचारु। दीनिकि संबंधिंचिन ब्रेकिंग न्यूस चूद्दाम। ईडी सीबीआईलनु प्रयोगिंचि मोदी प्रभुत्वालनु पडगोट्टडं पार्टीलनु चील्चडं करेक्टेना अनि मोहन भगवत नि केज्रीवाल प्रश्निंचारु। इक रेंडो ब्रेकिंग न्यूस ओकसारि गमनिस्ते अत्यंत अविनीति परुलैन नेतलनु बीजेपीलो चेर्चुकोवडानि अंगीकरिस्तारा अंटू आरएसएस चीफ नि केज्रीवाल निलदीशारु। इक मूडो ब्रेकिंग न्यूस चूद्दाम। इलांटि पनुलु चेस्तुन्न मोदीनि वारिंचारा अंटू मोहन भगवत नि अडिगारु आयन। इक नालुगो ब्रेकिंग न्यूस अलागे बीजेपीकि आरएसएस अवसरं लेदंटू लोकसभा ఎన్నికల్లో నడ్డా చేసిన వ్యాఖ్యలతో భగవత్ ఏకీభవిస్తారా అన్నారు కేజ్రీవాల్. అద్వానీకి విధించినటువంటి 75 ఏళ్ల వయసు నిబంధన మరి మోదీకి వర్తించదన్న అమిత్ షా వ్యాఖ్యలతో మోహన్ భగవత్ అంగీకరిస్తారా అంటూ ఆయన ప్రశ్నించారు. మేరా పహలా ప్రశ్న హై మోహన్ భగవత్ జీ సే, జిస్ తరహ మోదీ జీ దేశ భర్ మే లాలచ్ దేకే या ईडीबीआई क्लाउड किचन बिजनेस द्वारा 6 लक्षल संपादिस्तुन्नारु शैलज गारु। मीरु वारि नुंडि नेर्चुकोवडानिकि इप्पुडे फ्रीडम मैप नि डाउनलोड चेसुकोंडि। ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या ये देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि यह भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से यह सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को यह सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? आप ये पूछना चाहते हैं कि नहीं पूछना चाहते?